संसद सुरक्षा में सेंधमारी मामले का नागौर कनेक्शन सामने आया है। महेश कुमावत की गिरफ्तारी के बाद कई राज से पर्दा उठा है। एक तरफ स्पेशल सेल ने ललित झा की निशानदेही पर नागौर से आरोपियों के सभी जले हुए फोन बरामद किए हैं, वहीं दूसरी तरफ खुलासा हुआ है कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की तैयारी 2 साल से की जा रही थी। संसद सुरक्षा सेंध मामले का नागौर कनेक्शन, दिल्ली पुलिस को नागौर से मिले अहम सबूत, ललित की निशानदेही पर जले हुए मोबाइल फोन बरामद। आरोपियों के जले हुए मोबाइल फोन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि संसद में 13 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, और सबूत धीरे धीरे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ भी लग रहे हैं। पुलिस की माने तो मामले का मास्टरमाइंड ललित झा है, जिसने आरोपियों के मोबाइल फोन अपने पास जमा किए थे। पूरे मामले का वीडियो बनाने के बाद वो मौके से फरार हो गया और सीधे बस के सहारे दिल्ली से नागौर पहुँच गया। दिल्ली पुलिस को कई दिन तक छापेमारी के बाद अहम सबूत तो हाथ लगे, लेकिन जले हुए हालात में। पुलिस की माने तो आरोपी ललित ने नागौर के महेश कुमावत की मदद से पहले सभी आरोपियों के फोन तोड़े और बाद में उन्हें आग के हवाले कर दिया। संसद सुरक्षा में सेंधमारी मामले में गिरफ्तार आरोपी ललित झा के कबूलनामे के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उनकी निशानदेही पर नागौर पहुंची थी। पुलिस की माने तो मास्टरमाइंड ललित झा की नागौर में मदद महेश कुमावत ने की, जिसे घटना के दिन दिल्ली पहुंचना था। न्यूज 18 नागौर के उस होटल में भी पहुंचा जहां आरोपी ने रात गुजारी थी। दिल्ली से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर नागौर के कुचामन सिटी के पास त्रिशंगया गांव के इसी होटल में आरोपी ललित झा रुका हुआ था। आरोप है कि इस होटल में उसके रुकने का इंतजाम उसके साथी महेश कुमावत ने किया था। पुलिस आई थी तभी मेरे को पता चला था भाई ये कांड करके आए, मेरे को पता ही नहीं था, तब पता चला भाई ये कांड करके आए। मेरे उसको एक कोई जानता हूँ, नाव से जानता हूँ, और उसका होता होता कुछ भी नहीं जानता। किसको जानते हो? महेश पहले कोरोना पहले आता था, उसको जानता हूँ, किसको नहीं जानता। बाकी का नाम के अलावा कुछ नहीं जानता, उसका घर जाति कुछ नहीं जानता। पुलिस की माने तो जैसे ही दोनों को इस बात की खबर लगी कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है, वो दोनों बस में सवार होकर दिल्ली लौट आए और महेश कुमावत नाम के शख्स के साथ ललित ने कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में महेश कुमावत ने बताया है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश पिछले 2 साल से की जा रही थी। पुलिस ने ये जानकारी अदालत को भी दी है। आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट महेश कुमावत को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो जिस तरह से संसद के अंदर में सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला सामने आया, इसके साथ ही जिस तरह से एक साजिश के तहत संसद भवन के अंदर और संसद भवन के बाहर जिस तरह से एक बड़ा हंगामे को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां स्पेशल सेल को मिल रही हैं। जिस वक्त में संसद भवन के अंदर में हंगामे को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त में तमाम आरोपी अपने मोबाइल फोन को ललित झा के पास में सौंप करके वो संसद भवन के अंदर और बाहर वहां पर गए थे। उस वक्त में ललित झा वहां से फरार होता है और राजस्थान पहुंचता है। राजस्थान पहुंचने के बाद नागौर इलाके में एक खेत में वहां पर पहुंचने के बाद उन तमाम फोन को नष्ट कर देता है, जला देता है और क्षतिग्रस्त हालत में वहां पे छोड़ करके निकल जाता है। कहीं कहीं सबूतों के साथ छेड़खानी और सबूतों को नष्ट करने का जो मामला है वो भी यहां पे देखने को मिला है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की तैयारी पिछले 2 साल से हो रही थी, जिसका पर्दाफाश आरोपी महेश कुमावत की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई और चेहरे बेनकाब हों। हालांकि अब तक पुलिस 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें अनमोल, नीलम सागर और मनोरंजन को पहले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि ललित झा और महेश कुमावत की गिरफ्तारी शनिवार को हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।